हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे माइकल वॉन के स्टेटमेंट के ऊपर। माइकल वॉन ने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दी अबाउट जो डेनली। माइकल वॉन ने बोला है कि जो डेनली नॉट इनफ फॉर इंग्लैंड, क्योंकि टीम इसका मतलब है कि जो डेनली जो है, जो डेनली वो इंग्लैंड साइड में फिट ही नहीं होता, और उसकी बैटिंग स्किल्स ही वो नहीं रखती जो इंग्लैंड को डिजर्व करती, क्योंकि हम सबको पता है कि जो रूट नहीं है और उसकी जगह जो डेनली को चांस मिला। और जो डेनली दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हुए और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल आउट हुए। ठीक है, अब अगले मैच में जो रूट आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो डेनली बाहर हो जाएगा। जो डेनली ने पिछले एक साल में वो इन आउट रहा है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी यहाँ से यहाँ हुई है। और माइकल वॉन ने तो क्लियर कट बोल दी कि जो डेनली जो है डिजर्व नहीं करते इंग्लैंड साइड, और वो फिट ही नहीं होते इंग्लैंड साइड में। हम सबको पता है जो डेनली ऑल आउट है, अगर उसे बैटिंग नहीं होती तो आप उसे बॉलिंग करो, लेकिन उससे बॉलिंग भी नहीं करवाई जाती। तो जो उसके पास एक्सपीरियंस है, जो उसके पास बॉलिंग है, वो बैटिंग भी करता है। अब उसको उसके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल ही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शैटर्ड हुआ है। और सीरीज के दरमियान में ही आप बोल रहे हो कि फिटेड नहीं होता, अब नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर टेस्ट मैच में वो खामखा बाहर बैठेगा। और जो डेनली वन ऑफ द माय फेवरेट बैट्समैन, क्योंकि उसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कराची किंग्स के लिए, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, और उसने फिर वेस्टइंडीज के टूर में भी अच्छा परफॉर्म किया था, साथ ही इंडिया के टूर में भी अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के टूर में, साउथ अफ्रीका के टूर में भी अच्छा परफॉर्म किया था। मैं आपके साथ वनडे और T20 की बात करूँ, लेकिन टेस्ट में जो डेनली को मैंने इतना नहीं देखा, क्योंकि इंग्लैंड की साइड इतनी मजबूत होती थी कि जो डेनली को चांस ही नहीं मिलता था। अब जो रूट बाहर है तो उसके और जो डेनली को चांस मिला है, और जो डेनली दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हुए, तो माइकल वॉन ने तो क्लियर कट बोल दिए कि जो डेनली डू नॉट डिजर्व इंग्लैंड साइड, और फिट इन ही नहीं हो रहा है इस साइड में। तो मैंने आपके साथ खाली ये स्टेटमेंट कोट करना था कि एक फॉर्मर खिलाड़ी इंग्लैंड का माइकल वॉन बोल रहा है कि जो डेनली डिजर्व नहीं करता, होप फॉर द बेस्ट, लेकिन जो डेनली एक अच्छा बैट्समैन है और वो डिजर्व करता है इन माई ओपिनियन। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं रोज क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ चैनल चले जाते हैं। तो मिलता हूँ वीडियो में, टेक केयर।